नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2022 सीजन के लिए रिटेंशन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी कर ली गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई ने एमएस धोनी को रिटेन किया है, जिसकी पहले से पूरी संभावना थी, लेकिन सीएसके ने धोनी पर रविंद्र जडेजा को तरजीह दी है। जडेजा को पहले खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया गया है। यहां आपको बता दें कि सीएसके ने धोनी पर जडेजा को तरजीह देकर सबको चौंका दिया है। जडेजा को पहले खिलाड़ी के रूप में 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया, जबकि धोनी को दूसरे खिलाड़ी के रूप में 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। यानी कि धोनी को नुकसान हुआ है, धोनी की सैलरी घटी है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी को बतौर सैलरी 15 करोड़ रुपए मिल रहे थे, यानी धोनी को आईपीएल 2022 में 3 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। हालांकि धोनी इसको लेकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि धोनी ने पहले ही सीएसके मैनेजमेंट से कह दिया था कि टीम उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर उन्हें रिटेन ना करे। वो चाहते थे कि टीम युवा खिलाड़ियों को तरजीह दे। जब सीएसके की लिस्ट जारी हुई तो कुछ वैसा ही नज़र आया जैसा धोनी ने कहा था। यानी हम कह सकते हैं कि धोनी ने टीम के लिए बड़ा त्याग किया है। धोनी ने कम सैलरी में ही टीम के साथ जुड़े रहने का फैसला किया। इसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि धोनी को क्यों इतना बड़ा कप्तान कहा जाता है। धोनी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अब उनमें ज्यादा क्रिकेट नहीं बचा है। यही वजह है कि धोनी अब सीएसके के लिए नई लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं। धोनी के कहने पर ही सीएसके ने रविंद्र जडेजा को नंबर वन खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया है। इसका खुलासा सीएसके बॉलिंग कोच ने खुद किया है। उन्होंने कहा, ये माही भाई का बड़प्पन है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि टीम को क्या चाहिए। वो हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे। अगर देखा जाए तो सीएसके के लिए ये फैसला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 40 साल के धोनी का आईपीएल 2022 आखिरी हो सकता है। इसके बाद रविंद्र जडेजा को टीम के भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में रिटेंशन लिस्ट में उन्हें आगे रखना एक सही फैसला साबित हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।